मैं नहाकर रेडी हूँ और बच्चे भी तैयार हैं। एंजल सुजल जो है दुबके हुए हैं जाए में, और सृजन और आर्यन भी जो है अपने टीवी का एंजॉय कर रहे हैं और ब्रेकफास्ट कर चुके हैं जल्दी से। जो अब दोबारा डिफरेंट शिमला की जो लोकेशंस है वहाँ पे घूमने के लिए जा रहे हैं, और देखते हैं आज एडवांस स्टडी या रेलवे स्टेशन वगैरह, और दो तीन लोकेशंस और हैं वहाँ पे जाने का मूड है, देखते हैं अभी। भाई साहब जो है अपने ऑफिस के काम में बिजी हैं और ब्रेकफास्ट भी कर रहे हैं साथ साथ में। अंजना और भाभी जो है वो ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। लाओ भी मुझे भी दो जल्दी से, और चल पड़ो फिर, है ना, जल्दी से रेडी हो जाओ। ठीक है, दही और आलू का परांठा। ओके, तो अभी जल्दी से जो मैं ब्रेकफास्ट करूँगा, और अब मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। सर्दियों के मौसम में आलू के परांठे और दही साथ में चाय का अपना मज़ा होता है, और काफ़ी टेस्टी परांठे बनाए हुए हैं भाभी जी ने, और बच्चे खा के फ्री हो चुके हैं। सभी अपने अपने शिफ्ट में जो है ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने आज न्यू ईयर भी है और घूमने के लिए जो है शिमला की डिफरेंट लोकेशंस पे जा रहे हैं। बस निर्णय आपने खा लिया हो ना? चलते रहो, चलते रहो। अभी हम ढली चौक पे खड़े हैं, और आज न्यू ईयर के चलते जो काफ़ी ट्रैफिक है, तो मैंने गाड़ी ले जाना उचित नहीं समझा, और आज हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे। HRTC की बसेज हैं जो इलेक्ट्रिकल बसें हैं, और आज हम इनकी सवारी करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। सीट्स ले लो, हमें बैठ जाओ आराम से, है ना, एंजॉय करेंगे आज बस की राइड का। HRTC की इलेक्ट्रिकल जो बसेज हैं काफ़ी आरामदेह है, और इनमें अपनी सवारी का जो अपना ही लुत्फ है, और बने रहेगा भी अंत तक। कभी जो हम डिफरेंट लोकेशंस आपको शिमला की घुमाएंगे। ये देख सकते हैं आप, हालांकि आज शिमला में बादल छाए हुए हैं और बर्फबारी की पूरी संभावना, जिसके चलते जो है काफ़ी टूरिस्ट जो है शिमला की ओर रुक कर रहा है। देख सकते हैं आप, काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ है, और हम भी बस में बैठे हुए इंजॉय कर रहे हैं। मेरे को लगता है कोई 20-25 मिनट लग जाएगा। अभी हम संजौली टनल होके जा रहे हैं, देख सकते हैं आप। You can still go, even when you feel slow, you can still go, even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. देख सकते हैं आप, संजौली बाजार है सारा, और ये नीचे पूरा संजौली शहर है।
अभी हम नवबहार में हैं और यहाँ पे जो है गर्ल्स का एक बहुत ही प्रतिष्ठित कॉलेज है जिसे सेंट बीट्स के नाम से जाना जाता है, देख सकते हैं आप, और काफ़ी प्रतिष्ठित कॉलेज है गर्ल्स का। That's what I say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst I say, turn it to a... अभी हम हिमाचल प्रदेश सचिवालय पहुंचने वाले हैं, देख सकते हैं आप, जहां से सरकार का काम काज चलता है और पूरी अफसरशाही बैठती है। अभी हम छोटा शिमला होके जा रहे हैं, देख सकते हैं आप, और काफ़ी शानदार वादियाँ देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ है। हालांकि शिमला शहर जो है अधिकतर कंक्रीट में तब्दील हो चुका है, लेकिन आज भी कहीं कहीं पर जो है देवदार के पेड़ आपको देखने को मिल सकते हैं। अभी हम निगम बिहार पहुंचने वाले हैं और ये हिमाचल प्रदेश पुलिस का मुख्यालय है और साथ ही यहाँ पर जो है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का भी जो है ऑफिस है। अभी हम पहुंच चुके हैं ओल्ड बस स्टैंड शिमला, जो पहले बस स्टैंड हुआ करता था, अभी टूटीकंडी में जो नया बस स्टैंड बना हुआ। सबसे पहले जो हम बच्चों को जो है रेलवे स्टेशन घुमाएंगे, क्योंकि बच्चों की इच्छाएं जो है सारी पूरी करेंगे, और हमने पैदल जो है वॉक करने का मन बनाया और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने के बाद जो अभी हम जल्दी से जो है रेलवे स्टेशन के पास पहुंचने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। देख सकते हैं आप ये लक्कड़ बाज़ार की जो टनल है काफ़ी पुरानी है और अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी हुई है, और आज भी सही सलामत working condition mein hai. Even when you feel low you can still go, even when you feel slow you can still go, even when there's no hope. ye dekh sakte hain aap, shimla ka railway station hai, aur sabse pehle jo hum bachcho ko aur pure parivar ko ghumane ke liye railway station le ja rahe hain. एंजल हेलो, बड़ा मजा आएगा, मजा आएगा, चलो तो चलो आराम से बच्चों। ये देख सकते हैं आप, शिमला का रेलवे स्टेशन है, और अभी जो हम आपको प्लेटफॉर्म पे लिए चलते हैं, आ जाओ। कहाँ भाभी कहाँ गए, आ जाओ आ जाओ, यहीं से दिखा देते हैं। Even when you feel low you can still go, even when you feel slow you can still go, even when there's no hope you can still go. ये देख सकते हैं यहाँ पे टॉय ट्रेन खड़ी है, और यहाँ पे टाइम टाइम से जो है ट्रेन चलती हैं, और काफ़ी खूबसूरत रेलवे स्टेशन है।
वो ट्रेन जा रही है, you got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then ये शिमला बस स्टैंड है और यहाँ से जो है ट्रेन जो है अपने गंतव्य की ओर चलने के लिए जो है शुरू हो चुकी है और देख सकते हैं आप काफी साफ सुथरा है और बच्चों ने भी काफी एंजॉय किया और उन्होंने जो पास से जो है ट्रेन को देखा। हमारे पास टाइम था नहीं, हालांकि हम इनको ट्रेन की राइड करवाते। ये देख सकते हैं आप, अभी हम पहुंचे हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा और यहां से जो है हमारी सरकार का काम काज चलता है। अभी जो हम विधानसभा पहुंचे हुए हैं, हिमाचल प्रदेश विधानसभा जो है देख सकते हैं आप मेरे पीछे आपको दिखाई दे रही है। आजकल अभी सेशन शुरू नहीं हुआ है, लेकिन हम कभी ज़रूर अपनी फैमिली को लेके जाएंगे और उनको बच्चों को भी जो है पूरा सेशन दिखाएंगे विधानसभा की कार्रवाई कैसे होती है। अभी कुछ पेट पूजा का भी इंतजाम करने का विचार हो रहा है और हम चौड़ा मैदान में हैं और जल्दी से जो है फूड स्टफ का जो स्टॉल ढूंढ रहे हैं। चौड़ा मैदान में थोड़ी देर गुनगुनी धूप का आनंद लेने के बाद जो है अब हम एडवांस स्टडी की ओर बढ़ रहे हैं और जल्दी से आपको एडवांस स्टडी में मिलेंगे। बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। रेडियो के शौकीन आज भी हैं लोग और ये देख सकते हैं आप आकाशवाणी शिमला है, ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन है यहाँ पे और यहाँ से जो है हिमाचल प्रदेश के जो रेडियो के स्रोता हैं उनके लिए जो है प्रसारण किया जाता है। अभी हम परिवार से जो है होटल पिटरहॉफ पहुँचे हुए हैं और काफ़ी घूम फिरने के बाद यहाँ पे गुनगुनी धूप लगी और उसका एंजॉय करने के लिए रुके हुए क्योंकि अब सारे परिवार जो काफ़ी थक चुका है और मैं काफ़ी आगे पहुँच चुका हूँ और अभी मेरे मुझे लग रहा है काफ़ी पीछे हैं। सभी लोग पहुँच चुके हैं फैमिली के क्योंकि काफ़ी थक चुके हैं और ये देख सकते हैं ये भी पहुँच चुके हैं। बड़ी देर लगा दी आपने, बहुत देर लगा दी। बच्चा पार्टी खुश हो, थके तो नहीं। ये है पिटरहॉफ होटल है बेटा, है ना, गवर्नमेंट का होटल है ये और देख सो आप अच्छी धूप लगी हुई है, मजे से बैठो एंजॉय करो। ये देख सकते हैं आप हिमालयन वर्ल्ड पार्क है और बच्चों को जो है हमने बाहर से पक्षी दिखाए क्योंकि अंधेरा भी होने को आ चुका है और मेरे फोन की बैटरी भी खत्म हो चुकी है तो जल्दी से जो हम एडवांस स्टडी में पहुंचने वाले हैं। दिखे बेटा देखो मोर घूम रहे हो तो सबसे बढ़िया स्नैक्स जो है इन रेडी पे ही मिलता है और काफी हेल्दी बनाते हैं, ऐसा नहीं। मैंने पूरा चेक किया और इसको भैया को जो है राजमा चावल और स्प्रिंग रोल का ऑर्डर दिया हुआ है, अभी लगे हुए हैं क्योंकि हमें भी काफी भूख लग चुकी थी और मेरे फोन की बैटरी भी बंद हो चुकी है जो मैंने साथ में एक भैया को रिक्वेस्ट करके जो है चार्जिंग पे लगवाई है। शाम के लगभग 5:30 हो चुके हैं और पेट पूजा करने के बाद जो अब हम एडवांस स्टडी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। देख सकते हैं आप मेरे पीछे पूरी सैंडल फैमिली चली हुई है। फाइनली जो है अब हम अपनी डेस्टिनेशन के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं और ये एडवांस स्टडी है देख सकते हैं आप। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी एक शोध संस्थान है जो शिमला भारत में स्थित है। यह 1964 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया और 20 अक्टूबर 1965 से इसने कार्य करना शुरू कर दिया था। हालांकि हम लेट हो चुके थे और काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद जो है मुझे अंदर जाने की परमिशन मिली है और मेरी फैमिली जो है यहीं पे रहेगी। बाय बाय बच्चों।
ये देख सकते हैं काफी बड़ा संस्थान है और इस संस्थान की स्थापना जो है 1884 से 1888 के बीच में हुई थी और इसमें वाइस रिगल लॉज कहा जाता है, इसमें जो अंग्रेजों के शासक थे वो यहाँ पे रहते थे। और ये देख सकते हैं आप काफ़ी सुंदर स्थान है, ज़रूर विजिट करें जब भी आप शिमला, तो यहाँ ज़रूर घूमने आए। संस्थान में जो है 1945 में शिमला समझौता हुआ था और यह माल रोड से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ पर प्रवेश शुल्क के बिना आप एंटर नहीं हो सकते। भारतीयों के लिए जो है यहाँ पर शुल्क 30 रुपये है और विदेशियों के लिए जो यहाँ पर 65 रुपये का शुल्क है। और हम लेट हो चुके थे काफ़ी मशक्क़त के बाद जो मुझे परमिशन मिली है, यहाँ पर 5 मिनट का टाइम दिया है। संस्थान के बैक साइड में काफ़ी सुंदर जो है पार्क हैं, देख सकते हैं आप, और इनका भी जीर्णोद्धार का काम चला हुआ है और काफ़ी सुंदर तरीके से जो इनको मेंटेन किया जा रहा है, देख सकते हैं आप। यह संस्थान का बैक साइड का हिस्सा है और काफ़ी सुंदर यहां से जो है सनसेट का व्यू है, देख सकते हैं आप। नए साल पे आज हमने काफ़ी इन्जॉय किया और काफ़ी जगहों पे घूमे। अब हल्की आग सेक रहे हैं और चाय की चुस्कियों का इन्जॉय लिया जा रहा है, हैं? आज हमने न्यू ईयर पे काफ़ी इन्जॉय किया और पूरी फैमिली ने जो है शिमला की काफ़ी सारी जो टूरिस्ट प्लेसेस है वहाँ पे हमने घूम फिर की और काफ़ी इन्जॉय किया। अभी जो हम रिज की तरफ जो है प्रस्थान कर रहे हैं और जल्दी से जो है रिज पे पहुंचने वाले हैं। फैमिली पूरी इकट्ठी हुई है और काफ़ी गपशप चली हुई है और है क्या हुआ अच्छा बच्चे साइड में हट दो गाड़ी खंडवा स्टडी घूमने के बाद वापस जो हम हिमाचल स्टेट म्यूजियम के पास पहुंचे हैं जो चौड़ा मैदान में स्थित है और अपने फैमिली का वेट किया जा रहा है। बहुत लेट डिले है, ये काफ़ी मज़े चलते हैं और मैं काफ़ी स्पीड में आके पहुंच चुका था। अभी हम होटल सीसिल के बाहर से क्रॉस हो रहे हैं और जल्दी से जो है रिज में पहुँचने वाले हैं। अभी हम रेलवे बिल्डिंग के पास से क्रॉस हो रहे हैं, देख सकते हैं आप, और ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वालों का जो ऑफिस है, सारी बिल्डिंग जो है ये ओल्ड रेलवे बिल्डिंग है। और एंजॉय करते हुए हम आज न्यू ईयर पे काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं और जल्दी से जो हम रिज पे पहुंचने वाले हैं, बने रहिएगा अंत तक।
अभी हम पहुंचे हुए हैं स्कैंडल पॉइंट पे और काफी एंजॉय कर रहे हैं। शिमला के माल रोड पे घूमने का अपना मजा है और यहाँ देख सकते हैं आप काफी टूरिस्ट भी आए हुए हैं और काफी एंजॉय कर रहे हैं और काफी साफ सुथरा शहर है शिमला में। जब भी आप आए तो जरूर यहाँ पे विजिट करें। फाइनली हम भी जो है रिज पे पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं मेरे पीछे, और काफ़ी खुश है बच्चे हम सभी। और ये सामने गुफा है और काफ़ी खुशी हो रही है। हालांकि आज मौसम बिल्कुल क्लियर है और स्नोफॉल का भी कोई भी नामो निशान नहीं, हालांकि दो तीन दिन पहले जो हल्का स्नोफॉल हुआ था यहाँ पे। क्या देख सकते हैं आप, काफ़ी लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए और इंजॉय कर रहे हैं सारे। एंजल का है सुजल सृजन, हाँ चल खड़े हो जाओ, इधर ही ले लेते हैं फोटो एक, इधर को खड़ो। खड़े हो जाओ सारे, सभी फैमिली लोग जो है बिल्कुल थक चुके हैं और घर जाने की जो वापसी कर रहे हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा लें, ताकि समय समय पर जो है मेरे द्वारा डाली गई ब्लॉग वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी नए शानदार ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। थक चुके हैं और पैदल मार्च कर रहे हैं, बच्चे तो बोल रहे हैं कि बस अब हमारी बस हो चुकी है और उठा के ले चलो, और बच्चों को भी पता लगा कि पैदल चलने के क्या फ़ायदे हैं और हेल्दी रहने के लिए जो पैदल चलना बहुत ज़रूरी है। पहुंचे हुए हैं और यहाँ मार्केट जो लगभग बंद होने को आ चुकी है, और देख सकते हैं आप काफ़ी व्यस्त था भरी मार्केट होती है, लेकिन अभी जो है लगभग बंद हो चुकी है। और हम यहीं से होते हुए अब बस स्टैंड के लिए जा रहे हैं, और जहाँ से हम बस लेंगे और सीधे जो है अपने रूम पे पहुंचेंगे।